देखिएगा इस क्वेश्चंस पे ध्यान क्या देना, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन और इसमें ऑलरेडी दिया है कि E2 रिएक्शन के थ्रू यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा जो भी रिएक्शन होगी, तो जब भी इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है कि कौन सा क्या बनना चाहिए तो अटैक, तो इस तरीके में हम हमेशा साइक्लोहेक्सेन को उसके मोस्ट स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे, तभी हमें क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि मोस्ट स्टेबल फॉर्म उसकी चेयर फॉर्म होती, वहीं से सारी चीज एक्सप्लेन होती। तो सबसे पहले इसकी चेयर फॉर्म ड्रॉ करते हैं हम, ये हो गए इसकी चेयर फॉर्म। अब मैं अगर ये CH3 है, CH3 क्या होता है, बल्की ग्रुप, बल्की ग्रुप हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन पे होता है। वन अगर ये है, वन टू थ्री, तो वन टू पे ब्रोमीन होगा, थर्ड पे क्या है, थर्ड पे क्या है, CH3। CH3 कहाँ होगा, बल्की ग्रुप है, बल्की ग्रुप कहाँ होता है हमेशा याद रखना, इक्विटोरियल पे ही प्रिफर होता है, इक्विटोरियल इसका कहाँ है, नीचे है, तो ये CH3 नीचे होगा। अब रहा ब्रोमीन, ब्रोमीन कहाँ रखें, तो देखो ब्रोमीन रखने के लिए हम एक ट्रिक मैंने आपको पहले भी बताई थी, ट्रिक ये है कि जब भी देखो वन और टू ये मिथाइल के रिस्पेक्ट में ये दोनों क्या है, एंटी मैनर में लगे हैं, दोनों सेम साइड होते हैं, मतलब ये अबव द प्लेन है तो ये बिलो द प्लेन है, तो ये क्या है, एंटी मैनर है, एंटी बोले तो ट्रांस है, क्या है, एक दूसरे के ट्रांस है, ट्रांस और एंटी लिख लो इसको। अगर ऐसा होता है जब वन टू ट्रांस होते हैं तो या तो एक्सियल एक्सियल बनता है या तो इक्विटोरियल इक्विटोरियल, अगर ये क्या है, ये इक्विटोरियल है, तो ये वाला ब्रोमीन भी क्या होगा, इक्विटोरियल पे ही लगेगा, क्या होगा, इक्विटोरियल पे ही लगेगा। अच्छा ये CH3 को मैं इधर कर लेता हूं, देखो ऐसा है ना, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, तो थ्री पे इक्विटोरियल क्या होगा, ये एक्सियल है, इक्विटोरियल ये है CH3। अब यहाँ पे टू है, ये टू पे क्या है, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन क्या होगा, एक्सियल की इक्विटोरियल, ये हमें देखना है, तो हमने देखा वन टू आपस में क्या है, वन टू आपस में क्या है, एंटी है, तो वन टू जब एंटी होते हैं तो एक्सियल एक्सियल बनता है, इक्विटोरियल इक्विटोरियल, अगर ये क्या है, इक्विटोरियल है, तो ब्रोमीन भी क्या होगा, इक्विटोरियल होगा, ब्रोमीन भी क्या होगा, इक्विटोरियल होगा, तो ये ब्रोमीन। अब यहाँ क्या है, बेस है, तो अब ये देखो ये क्या है, ये इक्विटोरियल है, और ये हाइड्रोजन कैसा होगा, एक्सियल है, ये हाइड्रोजन भी इधर क्या होगा, एक्सियल होगा, और ये ब्रोमीन क्या है, ये ब्रोमीन क्या है, इक्विटोरियल पे है, और ये हाइड्रोजन क्या है, ये ब्रोमीन क्या है, इसको मैं दूसरे मार्कर से कल, ये ब्रोमीन क्या है, ये क्या था, ये मिथाइल क्या था, हमने देखा ये मिथाइल इक्विटोरियल है, और ये वन टू है, तो ये भी इक्विटोरियल हो जाएगा, ये हाइड्रोजन कैसे, ये एक्सियल हाइड्रोजन है, ये भी कैसे, एक्सियल हाइड्रोजन है। तो मैंने एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी एलिमिनेशन होना है, यहाँ पे बेस है, बीटा एलिमिनेशन होना चाहिए, या तो हाइड्रोजन यहां से निकलना चाहिए या तो यहां से, और ब्रोमीन पे अटैक करना चाहिए, तो ये ब्रोमीन निकलना चाहिए, बेसिकली रिएक्शन ये कहती होना चाहिए। अब हम सीखते हैं क्या ऐसा हो रहा होगा कि नहीं हो रहा है, तो देखना यहाँ पे है क्या, ये ब्रोमीन इक्विटोरियल पोजीशन पे है, हाइड्रोजन भी उसी पोजीशन पे होना चाहिए, तभी जाके कि वो क्या करता है, H प्लस ये यहाँ पे आता है और ब्रोमीन लीव होता है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल ही नहीं है, कौन से पोजीशन पे, इक्विटोरियल पोजीशन पे, ये भी बीटा बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, दोनों बीटा कार्बन पे जो इक्विटोरियल पोजीशन थी वो मिथाइल ग्रुप ऑक्यूपाई कर रखा है ऑलरेडी, एक्सियल पोजीशन पे हाइड्रोजन है, तो एक्सियल पोजीशन पे अगर ब्रोमीन इक्विटोरियल पोजीशन पे, तो एलिमिनेशन तभी होगा जब हाइड्रोजन भी कहाँ हो, इक्विटोरियल पोजीशन पे, लेकिन एक्सियल पोजीशन पे, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन ही नहीं होगी, दैट्स व्हाई डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इस तरीके को क्वेश्चन को आप हमेशा पहले चेयर फॉर्म में जरूर बना के करें, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। समझ में आई, थैंक यू सो मच।